वो लोग हथियार दिखला रहे हैं, वो लोग वहां की महिलाएं जो है चापड़ दिखला रही हैं गोश्त काटने वाला, ऐसे दूर से इशारा कर रही हैं, कौन जाएगा वहां पर, कौन वहां रात के अंधेरे में रहेगा? एक्चुअली क्या है कि वो लोग जो वहां पर कुछ लोग थे, वहां पर बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस था, उसमें से लोग निकले और उन्होंने बाकायदा महिलाओं को, उनको बाकायदा ट्रेंड थे पीछे से, मुझे लगता है वेल प्लान्ड एक कॉन्स्पिरेसी थी, और उन्होंने खौफ का माहौल वहां वातावरण क्रिएट करा। मेरे साथ जो शानू नाम का एक विक्टिम था जो 2 महीने से वहां नहीं गया, बड़ी मुश्किल, उसको मेरे सामने मारा उन्होंने, मुझ पर अटैक करने की कोशिश करी, CISF के जवानों पर उन्होंने चप्पल पत्थर मारे, हमने बड़ी मुश्किल से जितनी वीडियो बना सकते थे हम बना दिए हमने, और हमको मजबूरन वहाँ से उन्होंने हमें घेर लिया, महिलाओं ने पुरुषों ने, उन्होंने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। लोकल पुलिस वहाँ नहीं आई, 2 लोकल पुलिस वाले थे, जिस वक्त ये इंसिडेंट होने लगा वो वहाँ से गायब हो गए। मुझसे लोग कह रहे हैं आपने कंप्लेंट नहीं करी, मैं किसे कंप्लेंट करूँ? आई वॉज रिप्रेजेंटिंग देयर द हाई कोर्ट ऑफ द कोलकाता, मैं कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर वहां पर था, कोई मैं पॉलिटिकल पिकनिक पर नहीं गया हुआ था वहां पर। आपका सीधा सीधा एलिगेशन स्टेट गवर्नमेंट पे ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो ही परपेट्रेट कर रहे हैं वायलेंस, और जो 98% आप कह रहे हैं रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के इशारों पर रजिस्टर? देखिए मैं ये तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी निकालेगी, कोर्ट तय करेगा किसके इशारे पे नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि पुलिस मेरी मदद के लिए नहीं आई, मैं वहां पर गया, हर मीडिया चैनल में चला क्या इंसिडेंट हुआ, टिल नाउ मेरे से अभी तक किसी पुलिस वाले ने कोई कांटेक्ट नहीं करा है। मुझसे अगर आप कहें कि अब आप दोबारा चले जाइए, मैं नहीं जा सकता वहां, इतना डर मेरे अंदर है कि मैं वहां 10 CISF के जवानों के साथ था, मैं नहीं जा सकता वहां पर। वो लोग हथियार दिखला रहे हैं, वो लोग वहां की महिलाएं जो है चापड़ दिखला रही हैं गोश्त काटने वाला, ऐसे दूर से इशारा कर रही हैं, कौन जाएगा वहां पर, कौन वहां रात के अंधेरे में रहेगा? पुलिस मेरी, लोकल पुलिस जो है, लोकल पुलिस मेरे लिए नहीं आई वहां पर, वहां तो जो वो एक गरीब दलित बेचारा रहता है उसके लिए कैसे आएगी, आप बताइए। देखिए बंगाल का हालत कितना गंभीर है, NHRC टीम का भी मालूम होना हो गया। मैं तो ट्वीट करके इसको कंडेम किया, हालत बहुत खराब है। NHRC तो खुद नहीं आया, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेजा, हाईकोर्ट का डायरेक्शन में आया है, हाईकोर्ट में बोलना चाहिए। लेकिन हालत इतना खराब है, इधर किसी को भी छूट नहीं है। मैं ट्वीट किया, कंडेम किया, ये बहुत खराब काज है। देखिए कोर्ट का डायरेक्शन में आया, कोर्ट को उसको जो आंख में देखा ना, ये तो हम लोग का तो एक्सपीरियंस है ना, हम लोग जमीन में काम कर रहा है, NHRC जो देखा है उसको एक्शन उसको लेना चाहिए। हालत बहुत खराब हुआ है सर, बंगाल की घर घर को बोल रहे हैं 40 से ज्यादा घर वहाँ पे भी बहुत बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत शर्मनाक घटना हुआ।